Passengers are still alive. They have less than 2 days worth of oxygen left on board. The U.S. and Canadian. एक समंदरी आबदोस जिसका नाम टाइटन सबमर्सिबल क्राफ्ट है अपने साथ 5 लोगों को लेकर एक सफर पे रवाना हुई. उस सफर का मकसद टाइटैनिक के खंडरात को देखना था. इस आबदोस में 5 लोग सवार हैं, जिनमें से खुद उस कंपनी के मालिक जो कि जिसने ये सबमर्सिबल क्राफ्ट बनाया है, जिनका नाम है स्टॉकटन रश, और उसके अलावा पाकिस्तानी बिजनेसमैन फिलैंथ्रोपिस्ट और इन्वेस्टर शहजादा दाऊद साहब, उनके 19 साल बेटे सुलेमान दाऊद. इन दोनों का ताल्लुक दाऊद फैमिली से है. शहजादा हुसैन साहब जो हैं वो हुसैन दाऊद साहब के बेटे हैं, वाइस चेयरमैन हैं एंग्रो कॉरपोरेशन के. उसके अलावा एक फ्रेंच एक्सप्लोरर है काफ़ी फेमस, पॉल हेनरी, वो भी इसमें सवार है, और ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग भी इस सफ़र का हिस्सा है. ये 5 लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से इनका शुमार होता है, और इस वक्त वो एक छोटे से वेसल में ट्रैप्ड हुए हैं. ये वेसल तकरीबन 6.5 मीटर इसकी लेंथ है, और जब ये सफ़र स्टार्ट हुआ तो 2 घंटे के बाद इनका रास्ता जो था वो मुनक़ता हो गया था कंट्रोल रूम से. अब तक इसको ढूंढने के लिए 19,000 स्क्वायर किलोमीटर ओशन, जो ओपन ओशन होता है खुले समंदर में, उनकी तलाश की जा चुकी है, मगर अब तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला. कोई भी मायने खेज़ जो रिज़ल्ट है वो अभी तक हासिल नहीं हुआ है. कोई लीड नहीं मिली है. कुछ साउंड्स सुनाई दी गई थी किसी चीज़ के टकराने की, लेकिन अपेरेंटली जब देखा गया तो वो वहाँ पर भी इस सबमर्सिबल क्राफ्ट का कोई नामो निशान नहीं था. इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह ये सबमर्सिबल बेसिकली काम करती है, क्या इसका मैकेनिज्म है, कितना सेफ ये सफ़र हो सकता है, और किस इमोशनल स्ट्रेस से इसमें सवार पैसेंजर्स इस वक्त गुजर रहे हैं. ऑक्सीजन सप्लाईज इस जो ये जो वेसल है इसमें तकरीबन 96 आवर्स की ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो कल रात के टाइम पे किसी वक्त ख़त्म हो चुकी होगी, और मगर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर ये लोग, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो मज़ीद 24 से 48 घंटे तक ज़िंदा रह सकते हैं. तो विदाउट अ फर्दर डू इस पॉडकास्ट को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल माइंड फ्यूल, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिए. अगर मेरे वीडियोस आपके लिए कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए इसमें बहुत सारी मालूमात हैं. तो जनाब, ये जो टाइटन सबमर्सिबल क्राफ्ट है, बेसिकली ये सब मैरीन से थोड़ी अलग होती है, और ये एक सबमर्सिबल क्राफ्ट है, सब मैरीन नहीं है. इसे बनाया है ओशन गेट एक्सपेडिशंस ने, और इसका जो पहला ट्रायल था वो 2018 में किया गया था, और इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया 2021 में. इससे पहले कि मैं मज़ीद डिटेल्स में जाऊं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूंगी कि इस वेसल को अभी तक किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी ने अप्रूव नहीं किया है कि वो इस तरह के सफ़र पर रवाना हो. इनका तरीक़ेकार ये होता है कि ये $2.5 लाख चार्ज करते हैं पर पैसेंजर, और उनसे एक वेवर साइन करवा लेते हैं जिसमें जो पैसेंजर होते हैं उनको तमाम तर अनसर्टेनिटीज़, यानी कि तमाम तर जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि किसी भी तरह का हादसा होना या कुछ भी होना, ये सारी चीज़ें उन्हें पहले से बता दी जाती हैं. इस स्टैम्प पेपर पर उनसे साइन ले लिया जाता है, और फिर इस सफ़र का आगाज़ किया जाता है. टाइटन को बेसिकली बनाया गया है कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से, और इसकी एबिलिटी है या इसकी कैपेसिटी है कि वो समंदर में तकरीबन 4,000 मीटर नीचे जा सके. ये जो US सबमरीन है, USS डॉल्फिन सबमरीन, जो कि काफ़ी नीचे तक जा सकती है, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 900 मीटर तक जाने की है, जबकि ये सबमर्सिबल क्राफ्ट तकरीबन 4,000 मीटर नीचे समंदर में जा सकता है. इसने इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 6.5 मीटर यानी कि 22 फिट है, और ये 5 पैसेंजर्स को अपने साथ लेके जा सकता है. उसमें से एक खुद उस सबमर्सिबल क्राफ्ट का पायलट होता है और 4 पैसेंजर्स होते हैं. इसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट की गुंजाइश नहीं है. जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें नीचे फ्लोर पर बैठना पड़ता है विदाउट एनी टू मच मूवमेंट, एज आई सेड. उसके अलावा एक छोटा सा टॉयलेट वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि एक पर्दे से उसे सेपरेट किया जाता है. पैसेंजर्स जब इस सफ़र पे रवाना होते हैं उससे पहले उन्हें कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं, ताकि अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करें और बहुत ज़्यादा टॉयलेट इस्तेमाल ना किया जाए. बेसिकली इसका जो सफ़र है वो तकरीबन टोटल 8 घंटे का होता है. अगर कोई
टाइटैनिक के बकायात देखना चाहता है, यानी कि उसके खंडरात देखना चाहता है, तो सरफेस से लेके उन बकायात तक जाना और वापस सरफेस पे आना, ये टोटल 8 घंटे का सफ़र है। जबकि ये जो सबमर्सिबल क्राफ्ट जिसके अंदर ये लोग सवार हैं, ये तकरीबन 2 घंटे तक इसका रابطہ रहा अपने कंट्रोल रूम से, और 2 घंटे के बाद अचानक से रابطہ मुनक़ता हो गया। पायलट को बेसिकली एक जॉयस्टिक टाइप की डिवाइस दी जाती है जिससे वो इस सबमर्सिबल क्राफ्ट को चलाता है। चलाने का तरीक़ेकार ये होता है कि एक मैसेजिंग सिस्टम है जिससे वो अपने कंट्रोल रूम को कॉन्टैक्ट करता है, और कंट्रोल रूम उन्हीं मैसेजेस के थ्रू उसे एडवाइस करता है कि उसे किस तरफ सब जो अपनी सबमर्सिबल है उसको मूव करना है। समंदर के अंदर GPS सिस्टम नहीं होता, मोबाइल टावर्स नहीं होते, तो इसलिए ये एक जो पुराना ऑर्गेनिक मैसेज है, जो सिस्टम है मैसेजिंग का, उसी को इस्तेमाल किया जाता है। अगर लाइट की बात की जाए तो इसमें कुछ वॉल माउंटेड लैंप्स मौजूद होते हैं जिन्हें लाइट का जो सोर्स है उसे समझकर इस्तेमाल उसको बतौर लाइट सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। जबकि सबमर्सिबल क्राफ्ट के बाहर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैमरा सिस्टम्स और लाइट्स लगी हुई हैं ताकि जो कंट्रोल रूम है वो देख सके कि क्लियर कर सके इस सबमर्सिबल जो सबमर्सिबल क्राफ्ट से, ताकि वो अपना रास्ता आगे कंटिन्यू कर सके। इन्हें तकरीबन 96 आवर्स की ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर ये जो टाइम पीरियड है 96 आवर्स का, वो कम भी हो सकता है अगर जो पैसेंजर्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करें ऑक्सीजन को। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये जो सफ़र है वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन बॉडी इसे अलाउ नहीं करती, या इस कंपनी के पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है कि वो इतने डीप सी ट्रैवल को स्टार्ट करें। खैर, जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो नासा ने भी ये क्लेम किया है कि उन्हें अप्रोच ज़रूर किया गया था कंसल्टेशन के लिए, लेकिन उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस वेसल को बनाने में या इस तरह के किसी भी डिसीजन में। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो वेसल अभी गायब हुआ है, डिसअपियर हुआ है, उसके 4 रीज़न्स हो सकते हैं। अपेरेंटली जब वो मिलेगा तब मालूम चलेगा कि बेसिकली एग्जैक्ट रीज़न्स क्या थे, लेकिन अब तक जो 4 वजूहात काफ़ी वाजे तौर पर समझ में आती हैं वो है पावर ब्लैक आउट, या फिर इस वेसल में खुदा ना खास्ता आग लग चुकी है, या फिर किसी समंदरी तूफान का नतीजा है इनकी डिसअपियरेंस, या फिर ये जो टाइटन है, जो सबमर्सिबल क्राफ्ट टाइटन है, ये किसी खंडरात में, खुद टाइटैनिक के खंडरात में या कहीं पर ये फंस चुकी है। अब इन केस ऑफ पावर ब्लैकआउट जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि स्टिल ये सरफेस पे फ्लोट कर आ सकती है, और लेकिन एक जो बहुत ही ख़तरनाक बात है वो ये है कि जब इसमें पैसेंजर सवार होते हैं उन्हें बाहर से कम्प्लीटली सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है 17 बोल्ट्स के साथ, मतलब तकरीबन 17 बोल्ट्स लगते हैं इसको, उससे कम्प्लीटली सील कर दिया जाता है, अंदर से कोई आदमी बिना मदद के बाहर नहीं आ सकता। तो अगर ये सरफेस पे आ चुके हैं तो इन्हें बेशक बाहर की दुनिया ज़रूर दिख रही होगी अगर ज़िंदा है, लेकिन वो खुद से बाहर नहीं आ सकते। जो एक ब्रिटिश फॉरेंसिक साइकाइट्रिस्ट हैं वो कहते हैं कि इस वक्त जो इनकी कंडीशन है वो इंतहाई काबिले रहम है और तकलीफ दे है। अगर आप इमेजिन करें कि आपको एक वेसल में बंद कर दिया गया है जहां से आप मूव भी नहीं कर सकते, और आपको अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखती है, आप सर्वाइव कर रहे हैं, आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ज़िंदा रहें, आपकी फ़िज़िकल हालत ड्रेन हो रही है क्योंकि आपने कुछ खाया पिया नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, और आपको हर घड़ी हर गुजरने वाला लम्हा आपको अपनी मौत की तरफ लेके जा रहा है, तो ये जो एंजाइटी है, ये फेयर है, ये जो डर है, वो इंसान को कम्प्लीटली इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस का शिकार बना सकता है। इससे मेंटल डिसेबिलिटीज़ तक डेवलप हो सकती हैं अगर ये ज़िंदा, इंशाल्लाह के ज़िंदा बच भी जाते हैं तो मेंटल डिसेबिलिटीज़ का ख़तरा इनके साथ मौजूद है। उसके अलावा ये जो पूरा सिनेरियो है बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक है, और बैड फिज़िकल कंडीशंस में ये लोग मौजूद हैं, और ये इंशाल्लाह जब रेस्क्यू हो जाएंगे तो इनको रिकवर होने में, जो इस ट्रॉमा से जो ये गुजरे हैं 3 दिन में, इससे रिकवर होने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। दुआ यही है कि अल्लाह करे ये लोग जल्दी मिल जाएँ और साथ खैरियत के मिल जाएँ, ज़िंदा हों जहाँ पर भी हों, और थोड़ी सी और स्ट्रगल कर लें ज़िंदा रहने की, और जब तक जो सर्च अथॉरिटीज़ हैं उन्हें ढूंढ लें और उन्हें रेस्क्यू कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और
अगर आपको, जैसे कि मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि अगर ये चैनल आपकी नॉलेज में कोई इजाफा करता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए. आई विल कीप यू अपडेटेड, आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस सबमर्सिबल क्राफ्ट. एंड टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू टेक अ लीव. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.